अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं होशांग गोविल, आपकी अपनी तबस्सुम जी का बेटा, और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। जो भी है मुझे पसंद है, लेकिन इसका दुकान कहन पे काम बंद करवा। अरे घरवाली से काम करवाएगा, बेशर्म कहेगा। नहीं तो अपने घर में नौकर चाकर धन दौलत सैकड़ों का पेट पलता था। आज के दिन तो मेरे घर में जश्न होता था, पकवान पकते थे। दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री के शुरुआती दौर में लड़कियों का फिल्मों में काम करना बहुत मायूब माना जाता था, लेकिन उस दौर में एक लड़की ने फिल्म इंडस्ट्री में काम करने को मायूब नहीं समझा, बल्कि एक प्रेस्टीजियस काम समझा, और मरते दम तक वो फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही इज्जत के साथ, डिग्निटी के साथ काम करती रही, और वो थी हमारी फिल्म इंडस्ट्री की बहुत ही प्यारी माँ और दादी, यानी अचला सचदेव। मैं न जानती थी कि जिस घर की बेटी इतनी नेक और इतनी मिलनसार है, उस घर के मालिक के दिलो दिमाग में दौलत का नशा है, झूठ का गरूर है, मुझे इनकार कर देते। आज तो चिट्ठी आनी ही चाहिए, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है ना, वो यहाँ होते तो पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो घर पर ना हो। थर्ड में 1920 में पैदा हुई थी अचला जी, पेशावर में, जो पाकिस्तान में है, एक पंजाबी फैमिली में। उनकी तीन बड़ी बहनें थीं और वो अपनी बहनों में सबसे छोटी थी। अचला जी जब बहुत छोटी थीं तो उनके पिता इस दुनिया को छोड़ के चले गए और उनकी माँ ने अपने चारों बच्चों की परवरिश अकेले की। पिताजी के गुजर जाने की वजह से उनके घर के हालात ठीक नहीं थे, इसलिए बहुत कम उम्र में अचला जी ने काम करना शुरू कर दिया और वो ऑल इंडिया रेडियो लाहौर पे बतौर अनाउंसर काम करने लगी, और पार्टीशन के बाद उनका पूरा फैमिली पेशावर से दिल्ली आ गया, और दिल्ली में भी बतौर अनाउंसर वो ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली पे काम करने लगी। साथ ही साथ उस जमाने की फिल्म पर्सनालिटीज के वो रूबरू इंटरव्यू भी लिया करती थी, और साथ ही साथ फिल्मों में छोटे छोटे रोल किया करती थी। 1950 में एक फिल्म बन रही थी जिसमें हीरो थे देवानंद और उनके ऑपोजिट थी रिहाना और कुकू मोरे, और उसमें अचला जी को एक अच्छा रोल दिया गया। फिल्म का नाम था दिलरुबा, जो आई थी 1950 में, और उसमें देव साहब की छोटी बहन का रोल प्ले किया था अचला सचदेव जी ने। भैया शीला, यही है वो रूपा जिनके बारे में मैं हर रोज बातें किया करता। आप ही हो, यहाँ हर रोज आप ही की बातें हुआ करती थी। भैया कहा करते थे, मुझे जाने दो, वो मेरी राह देख रही होगी। इस फिल्म में अचला जी बहन के किरदार में लोगों को इतनी अच्छी लगी कि उन्हें सिर्फ माँ और बहन के रोल्स मिलने शुरू हो गए, और वो फिल्में थी फुटपाथ, मिस मैरी, संगम और तिलक मंदिर। मैं बार बार तेरे दरवाजे से आंखों में आंसू लिए लौटूंगी, ये मुझे मालूम नहीं था। ऐसा ना कहो माँ, ऐसा ना कहो। माँ, देर या सवेर एक दिन आएगा जब तुम अभिमान से सर ऊंचा करके कहोगी, धर्मेश मेरा बेटा है। दोस्तों, 1965 में एक ऐसी फिल्म आई जिसने अचला जी को एक नई पहचान दी। एक गाना था जो अचला जी के लिए फिल्म में गाया गया था, जो आज तक बहुत पॉपुलर है और लोग उस गाने को भुला नहीं पाए हैं। यस, यू आर राइट। ए मेरी जोहरा जबी, तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हसी और मैं जवान। वक्त के बाद अचला जी ने कई बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया, और ऐसा कोई हीरो या कोई हीरोइन नहीं थी जिनकी माँ और दादी अचला जी नहीं बनी हो। वो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों से लेकर कलर फिल्मों तक काम करती रही। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे पिताजी से बात छेड़ूं,
आपकी मर्जी। मेरी मर्जी क्या, तुम्हारी खुशी भी तो होनी चाहिए। मैं मर गई तो तेरी चिंता में मेरी आत्मा यही भटकती रहेगी। तू मेरी बात मान जा, मैंने तेरे लिए एक बड़ा अच्छा लड़का ढूंढ रखा है। असला जी ने अपने पूरे फिल्मी करियर में लगभग 250 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। वो एक बेहतरीन एक्ट्रेस थी, भले ही उन्होंने एक जैसे रोल किए लेकिन वो कभी मोनोटोनस नहीं थी। यही वजह थी कि उन्होंने लगभग 60 डिकेड्स तक फिल्म इंडस्ट्री में काम किया है। लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ रही थी वो काम कम कर पा रही थी, इसलिए उन्होंने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया। उनकी आखिरी फिल्म आई थी 2001 में, फिल्म का नाम था कभी खुशी कभी गम, और उस फिल्म में असला जी अमिताभ बच्चन की माँ और शाहरुख खान और ऋतिक रोशन की दादी बनी है। तुमने क्या किया? तुम्हारे पिताजी नंदिनी को ढूंढ कर लाए, जब उन्होंने पहली बार नंदिनी को देखा बहुत खुश हुए और कहने लगे मुझे ये रिश्ता मंजूर है लेकिन दहेज देना पड़ेगा। दोस्तों हम आपको बता दें कि असला जी ने दो शादियां की थी। उनके पहले पति का नाम था ज्ञान सचदेव और वो एक डायरेक्टर थे। उनका एक बेटा भी है और उसका नाम है ज्योतिन सचदेव, और बड़े होने के बाद ज्योतिन अमेरिका शिफ्ट हो गया। लेकिन अफसोस कुछ सालों बाद असला जी और ज्ञान जी का डिवोर्स हो गया। कुछ अरसे बाद असला जी ने दूसरी शादी की। उनके दूसरे पति का नाम था क्लिफर्ड डगलस पीटर्स, वो एक ब्रिटिशर थे और एक मैकेनिकल इंजीनियर भी। उनके साथ शादी करने के बाद असला जी पूना शिफ्ट हो गई क्योंकि पूना में ही उनके पति की फैक्ट्री थी। असला जी और उनके पति दोनों पूना में रहने लगे। दोनों में जबरदस्त बॉन्डिंग थी, दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे। लेकिन अचानक एक दिन उनके पति पीटर्स की डेथ हो गई और असला जी बिल्कुल टूट गई। पीटर्स के जाने के बाद असला जी बिल्कुल अकेली रह गई, ना कोई दोस्त ना कोई साथी और ना ही कोई देखभाल करने वाला। उनके साथी थे तो बस अकेलापन और बुढ़ापा। वो दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी, रोजमर्रा के काम भी उनसे नहीं हो पा रहे थे। एक दिन 2011 में वो किचन में अपना खाना बना रही थी। खाना बनाते बनाते वो गिर पड़ी और उनकी पैर की हड्डी टूट गई, वो बेहोश हो गई। और जब आस पड़ोस वाले उन्हें हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टर्स ने बताया कि असला जी को पैरालिसिस हो गया है। और एक साल बाद काफ़ी सफ़र करने के बाद 30 अप्रैल 2012 में असला जी ये दुनिया छोड़ के चली गई। और जब वो इस दुनिया से गई तो वो बिल्कुल अकेली थी। एक महान एक्ट्रेस जिन्होंने अपने करियर में एक माँ का किरदार निभाया था, आखिरी वक्त में उनके पास अपना कोई नहीं था। बहुत तकलीफ दे बात है। दोस्तों हमारी यही कोशिश होती है कि फिल्म इंडस्ट्री के उन नगीनों को हम आपके सामने पेश करें जिन्हें लोग भुला चुके हैं। दोस्तों जब भी हम असला जी की फिल्में देखेंगे वो हमें बहुत याद आएंगी। ऐसी बातें भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आप देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज, करते रहिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब।